मठ को लेकर प्रशासन और दो पक्षों के बीच बैठक के बाद भी नहीं निकला हल। दोनों पक्षों में जमकर हुई बहस को प्रशासन ने कराया शांत। मठ का 24 जुलाई 2021 से चल रहा विवाद तीसरा पक्ष जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर ने मठ पर दावा पेश करते हुए वकील के माध्यम से लगाई आपत्ति। आजमगढ़ तहसील क्षेत्र के रजादेपुर सन्यासी मठ को लेकर पूर्व से निर्धारित प्रशासन और मठ के दो पक्षों द्वारा बैठक की गई, जिसमें तीसरा पक्ष जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर कन्हैया कुमार द्वारा भी अपने वकील के माध्यम से दावा ठोकते हुए उसने कहा कि यह मठ सन्यासी मठ होने के कारण जूना अखाड़ा का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में जोरदार बहस एवं नोक झोंक के बीच बैठक का प्रारंभ किया गया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी आपत्तियां एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस दौरान वकीलों के माध्यम से दावा प्रस्तुत करने वालों को प्रशासन ने कहा कि यह कोई कोर्ट नहीं चल रहा है, यहाँ वकीलों को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ दोनों पक्षों को ही बुलाया गया है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने दावे पेश किए गए। एक पक्ष द्वारा शिवशंकर भारती एवं बाल मठाधीश शिवसागर भारती की तरफ से दावा पेश किया गया तो दूसरे पक्ष के द्वारा महंत की अनुपस्थिति में लोगों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। इस दौरान गर्मा गर्मी में दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके उपरांत प्रशासन ने उप जिलाधिकारी द्वारा यह कहा गया कि मठ पर यथास्थिति बरकरार रहेगी एवं कार्यवाहक मठाधीश शिवशंकर भारती कार्यभार देखते रहेंगे, पर उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा एवं पुनः छठ पूजा के बाद बैठक दोनों पक्षों की बुलाई जाएगी, उसमें जो निर्णय होगा उसे बता दिया जाएगा। अरे अगली बैठक में होगा यार, अगली बैठक में, अभी निर्णय नहीं हुआ है। आज केवल दोनों पक्षों की बैठक की गई है कि शांति व्यवस्था की दृष्टि से दोनों लोग यथास्थिति रखें, दोनों के साक्ष लिए गए हैं, तत्क्रम में कोई निर्णय जो है वो त्योहारों के बाद इनको अवगत कराया जाएगा।